अभी अभी बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैछ में डायल 112 पुलिस के टीम के द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है, जिससे आक्रोशित लोगों ने बसैछ चौक के समीप सड़क जाम कर दिया है। जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार युवक गाय लेकर सड़क से गुजर रहा था। इसी कड़ी में सारघाट थाना क्षेत्र की डायल 112 की पुलिस टीम बसैठ से सारघाट की तरफ लौट रही थी, जहां बसैठ के लोहा पुल के नज़दीक डायल 112 की पुलिस गुजरी, जहां सड़क पर गाय जा रही थी, जिससे पुलिस की गाड़ी रुक गई। इससे आक्रोशित डायल 112 में की टीम में शामिल पुलिस गाय ले जा रहे युवक राहुल कुमार को पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार युवक को पुलिस ऐसे पीट रही थी जैसे वह युवक कोई अपराधी हो। पुलिस की पिटाई से युवक बेदम हो गया तो उसे सड़क किनारे लुढ़का दिया। घटना की जानकारी होते परिजनों में कोहराम मच गया। जख्मी युवक को स्थानीय चिकित्सक से दिखाया गया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देख दरभंगा ले जाने की सलाह दी गई। बताया जा रहा है कि युवक के सीने की हड्डी पिटाई के कारण क्रैक कर गई है। उधर घटना से आक्रोशित लोगों ने DKBM और SH-52 सड़क को जाम कर दिया है। लोगों और परिजनों का मांग है कि इस घटना में शामिल सभी पुलिसकर्मियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई हो और परिजनों को इलाज का मुआवजा दिया जाए। फिलहाल बेनीपट्टी थाना की पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंचकर विधि व्यवस्था संधारण में जुटी हुई है। कि लोगों ने जिस तरह सारघाट के डायल 112 की टीम पर शराब माफियाओं के साथ सांठगांठ के आरोप लगाए हैं, वह काफ़ी चिंताजनक है। सबसे अहम सवाल यह भी निकल कर सामने आ रहा है कि सारघाट की डायल 112 की टीम बेनीपट्टी थाना क्षेत्र में किस आधार पर और किसके आदेश पर पहुँची थी। लोग इस संदर्भ में बहुत कुछ बता रहे हैं। देखिए जाम कर रहे परिजन इस घटना को लेकर के क्या कुछ बता रहे हैं। फिलहाल बसैठ चौक जाम के आगोश में है, लोग आक्रोशित हैं और परिजन मौके पर मधुबनी SP को बुलाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हम घर पे नहीं थे, हम आए हैं तो पता चला है जनक नंदनी का ड्राइवर साहब आए हैं, बोले हैं जो आपका भाई को मार रहा है 112। जब तक हम गए हैं तब तक ये पड़ा हुआ था, उस जगह आदमी सब खड़ा था, उसको उठा उठा के लाए डॉक्टर के पास, ये रेफर कर दिया दरभंगा DMCH। वही बात है, उसके बाद हम लोग रोड जाम कर दिए हैं। मांग वही है जो ये अफसर को लावे और उसका इलाज में जो खर्चा है सो करवावे, उस अफसर को बरामद करे हम लोग के बीच में। सारघाट पुलिस जो है उसका वो बसैठ क्यों आई थी? ये तो बेनीपट्टी थाना क्षेत्र है, ये तो DSP साहब ना, ये तो DSP साहब ना बुझेंगे जो इनका 112 कहाँ कहाँ बौआता है, मुंह फेरता है। दारू पास कराता है सारघाट से बसैठा तक आता है, उसको पास कराने के बाद यहाँ से लौटता है। वो रोजाना हमर बच्चा जे घर कहल के गाड़ी नहीं लगा जा ले पुलिस के बड़ा बाबू तो गोली हमरा बेटा के छकरे जाम लगा देन चले बंदूक तन देन चले ओ चौक पर अभी चौक पर बेनीपट्टी थाना के जो भी अधिकारी यहाँ पे आए हैं ना वही लोग ताने थे। जो भी हम लोग तो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सब लोग बोले हैं कि बेनी सारघाट एक बात बताइए तो सर, ये बेनीपट्टी बसैठा बेनीपट्टी क्षेत्र में आता है, सारघाट क्षेत्र में ही नहीं है। सारघाट थाना के आदमी आके हमारे गांव के आदमी को घायल करके और मार पीट के हड्डी सीना का 6-6, 7-7, 8-8 हड्डी टूटा हुआ है तोड़ के और चला गया है बेनीपट्टी। ये देखिए सारघाट रास्ता है, देखिए बोर्ड 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 को जूम कीजिए, थोड़ा जूम कीजिए तो भैया थोड़ा जूम कीजिएगा। देखिए सारघाट रास्ता है और घर है, अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं है। बताइए इनके पापा को देखिए, 4 घंटा से मेरे चैनल पे घुस खाया हुआ है, उसी लिए चला रहे टांडव किंग पे। कोई अभी तक कोई नहीं आया है, कोई नहीं, सारघाट वाला जो डायल 112 छे रोजाना अबे छे मार, हां अबे छे आई बीच में अबे छे दारू के लेल, दारू वाला के खींचे के लेल। बताओ
दारू वाला के लेल अबे बसैठा में इंटर करे कैला अब बेनीपट्टी क्षेत्र में आई बेनीपट्टी क्षेत्र के कैला बदनाम करके जाए भागे मारपीट के कैला कैला बताओ आई गलत हो जाए कि नहीं दारू वाला के अहाँ के पकड़े के हे अहाँ अपना क्षेत्र में पकड़ू ना। अरे मेरी बड़ी क्षेत्र में आके काहे के लिए बदनाम कर रहा है मेरी बड़ी क्षेत्र को बताइए ना हमको जवाब दीजिए सारदा थाना के होंगे कि बस ऐसा मेरी बड़ी क्षेत्र में आया है क्यों आया है अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज बेनीपट्टी बेटा बाजार नियर ग्रामीण बैंक।